समाधान दिवस खुणारे थाने में पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक, फरियादियों को पढ़ाया पाठ। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने एक फरियादी से पूछा, रावण की हार क्यों हुई थी? समाधान दिवस में भाई भाई के झगड़े में उन्होंने कहा, भाई का भाई से प्रतिष्ठा में कभी जीत नहीं होगी। आपस में मिल बैठकर समाधान खोजोगे तो समस्या का समाधान निकलेगा। अच्छे बुरे दोनों को समाज में समर्थन करने वाले लोग हैं। यदि अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो झगड़ते रहोगे, आपका धन और समय दोनों बर्बाद होगा, लोग आपको लड़ाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कभी भी पैमाइश करने जाओ तो लेखपाल के साथ पुलिस बल साथ में होना चाहिए, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। फिर दोबारा चौराहे देखे उन्होंने चिन्ह लगा दिया। ये आरआई साहब को जो है कराइए, आरआई साहब जो है आपके यहाँ जो है ना कानून साहब, वो जो है अभी कल फोन किया रहा है, ये इनको अपने लेखपाल साहब पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो एक स्टेप ऊपर वाले अपना वो जिसको चाहे उसको ले लेंगे। हाँ वो बन जाएगा, ठीक है। आप अगर लेखपाल साहब से आप संतुष्ट नहीं है ना तो बड़े अधिकारी चले जाएंगे, देख लेंगे जो भी है करना। लेखपाल को एक के जगह दो तीन लेखपाल हो जाएगा, ठीक है। महराज अहमद जी सर, भाई देखो तुम्हारा 1750 नंबर व्यंजन दो मार्ग पर आईटीआई 132 केवी पावर हाउस को और 100 बेड हॉस्पिटल को दे दिया गया, तो ये तो भाई अब इसमें तो सरकारी चीज है तो तुम्हारा काम है सर। इसमें ऐसा है, एक घाटा है 2690 सर, तो बहुत बड़ा घाटा है, करीब 650 बीघे एक ही नंबर का, और एक 1750 है वो भी है करीब 500 बीघे का सर, और उसमें मेघ नहीं था तो उसमें ये कब्जा किए थे जो बंजर की ज़मीन थी उसमें, और जो खाते की ज़मीन 2690 है सर वो खाली पड़ी हुई है उसी में अपना कब्जा। 2690 में अपना हिसाब लो, नहीं मिल रहा ढूंढे तो वकील साहब पकड़ो। है सर, है सर, जमीन है उसमें, जमीन है उसमें कुछ, तो जमीन है तो लो जाएंगे वहाँ पर, सरकारी जमीन सर, आईटीआई वैसे बनता है। नहीं तो छोड़ दिए सर, आईटीआई बन गया वो, छोड़ दिए सर, तो फिर अब क्या रहेगा? अब उसमें चाह रहे हैं सर 2690 वाले लेते रहे और क्या। 2690 में अपना रहेंगे तो क्या पड़ेगा, आईटीआई और इसके चक्कर में पड़ना नहीं सर, उसमें नहीं पड़ेंगे, हमारी जमीन हमें मिल जाए बस। जान बोल के तो सर यहाँ बहुत विवाद करते हैं।